भक्तजनों सभी को बहुत बहुत राधे राधे। भागवत महापुराण की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। भागवत प्रश्नों से बना हुआ है, बहुत सारे प्रश्न भागवत में हैं। भागवत महापुराण में कुछ प्रश्न परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, कुछ प्रश्न शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं, कुछ नारद के प्रश्न है, सभी के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न है। और वैसे भी इन प्रश्नों का जो उत्तर खोज लेता है वही मनुष्य तर जाता है। और आइए हम बात करते हैं कि भागवत महापुराण में सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है धर्म क्या है, मनुष्य का, मानव का धर्म क्या है, इंसान का धर्म क्या है, यह सबसे पहला प्रश्न है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि एक इंसान का धर्म क्या होता है? कमेंट में आप लोग मुझे बताइए इंसान का धर्म क्या है। और जब इस प्रश्न का उत्तर आप खोजने जाएंगे, ढूंढेंगे, तो आपको जीवन समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम ये प्रश्न की बात कर रहे हैं कि इंसान का धर्म क्या है, धर्म ये सेकंड हो गया, ये अलग हो गया। सबसे पहले तो ये है कि इंसान कौन है। अच्छा, मुझे आप इस वीडियो को सुन रहे, आप इंसान हैं, आपसे मेरा प्रश्न है, आप इंसान हैं? अच्छा, इंसान मतलब क्या होता है? इंसान वो है जिसमें इंसानियत हो। जैसे किसी चीज की परख अगर की जाए कि भाई ये लोहा लोहा है, ये सोना सोना है, तो कैसे परखेंगे? भाई सोना जब 24 कैरेट का होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो ये सोना है, ये शुद्ध है, ये प्योर है, तो प्योर इंसान आप हैं क्या? ये प्रश्न है आपसे। आपकी शुद्धता है, इंसानियत के सारे पैरामीटर, सारे गुण, धर्म है क्या? अब 22 कैरेट का सोना होता है, भाई उसमें कुछ मिला दिया जाता है, 22 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, तो कैरेट कम हो गया ना, कुछ मिल जाता है। अच्छा, जब कैरेट कम हुआ तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, 24 कैरेट की वैल्यू ज्यादा रहती है। जब कैरेट कम हुआ, ऐसे जब आप छोटे से बालक थे, छोटे से अबोध बालक थे, बच्चे थे, तो आप 24 कैरेट के खरे सोने, पूरा इंसान थे। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आप में मिलावट आती गई, क्या आप उससे सहमत है? ये देखिए भागवत का ज्ञान कैसे हमारे जीवन को, मन मस्तिष्क को बदल सकता है। मिलावट किस प्रकार से आई? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। काम आ गई, लालच आ गया, क्रोध आ गया, बुराइयां करना आ गया, अभिमान आ गया, वर्चस्व की भावना, ये मेरा, ये तेरा। जब ये बुराइयां आई तो मिलावट हो गई, हम 18 कैरेट के हो गए, 20 कैरेट के हो गए। सबसे पहली बात है कि इंसान बन जाए, इंसानियत जिस दिन आपको समझ में आ गई, इस मिलावट, जो गंदगी, जो कचरा, जो बुरी बातें हमारे अंदर आई हैं, जब तक हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से मानव नहीं बन सकते, इंसान नहीं बन सकते। तो पूर्ण रूप से इंसान बनने का प्रयास सर्वप्रथम हमें करना चाहिए, क्या आप उससे सहमत है? तो सहमत है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे लिख दीजिए कमेंट में, सहमत है तो, है ना? मिलावट तो हुई है, बुराइयां पेट भर भर के लोगों की करते हैं, अजय किसी के बारे में कुछ नहीं पता फिर भी बोलेंगे पेट भर के बोलेंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे की बुराई करने में लगा है, हर व्यक्ति दिन रात झूठ बोलने में लगा है, ईर्ष्या, घृणा, हमें दुख है, इस बात का दुख हमें नहीं है, हमें दुख है, इस बात का दुख हमें नहीं है, वो सामने वाले को सुख है ना, इसका दुख हमें बहुत ज्यादा है। अजी महाराज मानते हैं सभी लोग, अपने दुख से बहुत कम लोग दुखी हैं, लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। उसका कपड़ा ऐसा, उसकी गाड़ी ऐसी, बहुत चमक के चल रहा है आजकल, टेंशन में आ जाता है इंसान, दूसरों का देख के टेंशन बहुत ज्यादा आता है। तो हम सभी को सबसे पहले ये सारी बुराइयों को छोड़ना जरूरी है, हमारे अंदर जो अभिमान है इसको छोड़ना पड़ेगा, हमारे अंदर जो बुराई है इसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक इस अभिमान को, बुराई को हम नहीं छोड़ेंगे, समभाव हम हर व्यक्ति में नहीं रखेंगे, जब तक हमारे अंदर मनुष्यता के जो पैरामीटर है वो नहीं आएंगे, जो मनुष्यता के गुण धर्म हैं, जब तक वो हमारे अंदर नहीं पाए जाएंगे, तब तक हम सच्चे इंसान नहीं कहलाएंगे। कि देखकर जो दर्द किसी का, देखकर जो दर्द किसी का, जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है, बस इतनी सी बात है कि हम किसी का दर्द समझ लें, किसी की पीड़ा समझ लें। लेकिन आजकल ये बहुत कम है, मैं पैसा कमाना है, हाँ राम नाम जपना, पराया माल अपना आ जाए कहीं से, भले किसी का गला काट के आए, भले किसी को पीड़ा दे के आए, तकलीफ दे के आए, महाराज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आय भर, हमारा फोकस कहाँ है? आय। लेकिन कैसे आ रहा है इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। मान लो आपने कोई सामान किसी को बेच दिया, 500 रुपए का कोई सामान आपने किसी को बेचा, व्यापार कर रहे हैं आप, आपने 500 का सामान किसी को बेच दिया, वो व्यक्ति 500 का सामान आपको 500 रुपए दिया, सामान लेकर चला गया, घर जाके देखा तो सामान में त्रुटि थी, बिगड़ा हुआ था, मशीन बराबर चल नहीं रही थी। अब वो व्यक्ति कोसने लगा, अरे यार इस व्यक्ति ने मुझे ठग लिया। अब वो जो 500 रुपए आपने कमाए हैं उसके साथ उसकी दुआएं ही बददुआएं जुड़ गई हैं। अब उस 500 रुपए को आप अपने बिजनेस में डालेंगे तो बिजनेस तो बढ़ेगा, लेकिन वो बिजनेस भी बददुआएं वाला बढ़ेगा, आज नहीं तो कल डूबने के लिए बढ़ेगा। उसी 500 रुपए से आप सब्जी खरीद के लेके चले गए, भाजी खरीद के ले गए, घर में बच्चों का लालन पालन करने के लिए गए, तो उसकी बददुआएं 500 रुपए के साथ जुड़ी हैं। सोचिए आपने 500 का सामान किसी को बेचा, बड़ा अच्छा सामान था, सामने वाला घर गया, अरे वाह वाह वाह, 500 में तो 1000 रुपए की चीज मिल गई, बड़ा अच्छा आदमी था। अब उस 500 के साथ दुआएं जुड़ गई हैं, आशीर्वाद जुड़ गया, स्नेह जुड़ गया, प्रेम जुड़ गया। अब उस 500 से आपका बिजनेस भी फलेगा फूलेगा, उस 500 से बच्चे आपके भोजन करेंगे, आहार लेंगे, उनको स्वास्थ्य मिलेगा। तो इंसानियत रखना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रश्न अभी तो अपना वही खड़ा है, प्रश्न क्या था हमारा, धर्म क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है। धर्म जब हम ढूंढेंगे तो हमें जीवन का यथार्थ समझ में आएगा। धर्म क्या है आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग, धर्म क्या है इसको आप लोग सर्च करें, ढूंढें एक बार आप लोग, सभी से मेरा निवेदन है आप लोग धर्म क्या है इसको अच्छे से विचार करें कि धर्म धरा पर मानवता के पाठ पढ़ें। हाँ जी महाराज बहुत ध्यान से सुनना है, धर्म धरा पर मानवता के पाठ पढ़ाए और धर्म धरा पर वृद्ध से वृद्ध के तार जुड़ाए। धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है, तुम समझो, जो तोड़े वो धर्म नहीं अधर्म कहलाए। धर्म तो जोड़ने का काम करता है, धर्म तो आत्मीयता का काम करता है, धर्म ही जो है यही मनुष्य में मनुष्यता लाता है। आज एक व्यक्ति खुलेआम कुछ भी करने से डरता है, क्यों? धर्म है उसका, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बहन का धर्म, भाई का धर्म, गुरु का धर्म, एक इंप्लॉय का धर्म, एक बॉस का धर्म, एक मालिक का धर्म क्या है भाई? मालिक का धर्म है कि उसके यहां जो काम करे वो सबके चेहरे पे प्रसन्नता हो, उनका सुख दुख बिना बोले समझ में आ जाए। और जो वहां सहकर्मी काम करे उनका धर्म क्या है कि भाई मालिक को कैसे बरकत मिले। ये पति का धर्म क्या है कि पत्नी को उसके मायके से भी ज्यादा सुख वो दे सके, ये धर्म है पति का। एक पुत्र का धर्म, एक पिता का धर्म, एक राजगुरु का धर्म, एक राजा का धर्म, तो धर्म तो बहुत बड़ा हो गया। फिर जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म की जो व्याख्या है ये तो बढ़ती जा रही है। और जब तक दोस्तों हम लोग धर्म पर काम नहीं करेंगे तब तक हम जीवन का यथार्थ नहीं ढूंढ पाएंगे कि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय लगे, उसको प्रिय बना के बोलो। कहने का मतलब ये है भाई, कहने के तरीके और कहने के ढंग पे तो महाराज पूरी जिंदगी चल रही, पूरी दुनिया इंसान की चल रही है। तो धर्म क्या है? सत्य बोलना। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप सत्य पर काम कर रहे हैं? आप बताइए, क्या आप सत्य बोलते हैं? क्या आप अपने बिजनेस में सत्यवान है, अपने घर में सत्यवान है? क्या आप सत्यनिष्ठ है, सत्यव्रत है? ये प्रश्न है आपसे। सत्य ही प्रभु है, सत्य को ही भगवान कहा गया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिशत्य, सत्य को ही भगवान है, भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है, सब ईश्वर का ही है। तो हम अगर अपने जीवन में सत्य नहीं बोल सकते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, तो मनुष्यता तो हमारे अंदर नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे महाराज वो सब ठीक है लेकिन सत्य बोलकर कोई जीवन नहीं जी सकता है, सत्य पर काम नहीं कर सकते, सिर्फ सत्य बोलकर।
हाँ जी ठीक है, नहीं 100% सत्य बोल सकते, परसेंट में चलो मैं नापता हूं मनुष्यता को। चलो आप बताइए कितना परसेंट आप सत्य बोलते हैं, कमेंट करके बताइए, 5%, 10%, 20%, 50%। तो आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि शायद इंसान 2-5% सत्य बोलता होगा, 90% असत्य में जीवन जी रहा है। तो सत्य धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के बड़ा कोई धर्म नहीं। हमें कोशिश करना है कि हम अपने पति के रूप में सत्यव्रत को धारण करें, अपने पिता के रूप में सत्यव्रत को धारण करें, अपने व्यवसाय में सत्यव्रत को माने। सत्यव्रती बनना, सत्यप्राण बनना है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। लोगों के प्रति प्रेम हो, स्नेह हो, करुणा हो, यह दूसरा धर्म है। जो जीव में शिव देखे, नर में नारायण देखे, यह धर्म है हमारा, यह सनातन का धर्म है। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना देखता है, हमें अपना घर ही अपना नहीं लगता, हमें पूरा संसार हमें घर के रूप में देखते, ये हमारे धर्म की महानता है, ये हमारे सनातन धर्म की महानता है। बाकी तो धर्म बोलते हम ही अच्छे, हम ही अच्छे, हम ही अच्छे, हम बोलते हैं कि हम सब अच्छे हैं, हम बोलते हैं कि पूरी सृष्टि हमारी है, पूरी सृष्टि हमारा एक परिवार है, हम इसमें किसी को अलग नहीं करते, नापते तोलते नहीं। और ऐसे ऐसे लोग महाराज हमारे हिंदुस्तान सनातन धर्म में पैदा हुए। एक नाम आपने सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र, सुना है आप सभी ने? राजा हरिश्चंद्र की कहानी भागवत महापुराण में आती, बड़ी अनुपम कहानी और हमें जीवन जीने की बड़ी प्रेरणा देती है। राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है, वो अपने वचन पर हमेशा सत्य अडिग रहते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा, उनका एक पुत्र था रोहित। एक दिन राजा हरिश्चंद्र सोए हुए थे, गहरी चिर निद्रा में सोए थे। सुबह सुबह भोर के समय उनको सपना आया कि वो विश्वामित्र को अपना पूरा राजपाट सौंप दिए, दान कर दिए। सपने में देख रहे राजा कि विश्वामित्र को सारा राजपाट महाराज दान कर दिए। कहां देखे? सपने में देखे। सुबह राज दरबार सजा और गजब अनुपम देखिए, बात भी देखिए, और विश्वामित्र भी पधार गए। तो राजा ने कहा विश्वामित्र से कि महाराज जी, आज मैंने ऐसे से सपन देखा हूं कि मैंने सारा राजपाट आपको दान कर दिया है, तो मैं सही में ये दान करना चाहता हूं आप। विश्वामित्र भी उनको सारा स्वीकार कर लिए, देखो एक रचना है ये सृष्टि की, ये उनके सत्यता के का परीक्षण होने जा रहा, परीक्षा देना पड़ रहा है अभी। तो विश्वामित्र ने पूरा राजपाट स्वीकार कर लिया। राजा साहब हरिश्चंद्र जी ने सभी को, जितने विश्वामित्र थे उनके साथ हजारों ब्राह्मण भी आए थे, साधु संत भी थे, सभी को भोजन कराए। और भोजन कराने के बाद राजा साहब सबको दक्षिणा देने लगे। राजा हरिश्चंद्र सबको दक्षिणा दे रहे, सोने के सिक्के। अब महाराज जी विडंबना देखिए, विश्वामित्र कहते कि महाराज राजन, जब आपने ये राज मुझे दान कर दिया है, इस राज्य का स्वामित्व किसके पास है? मेरे पास है। तो इस राज खजाने में जो सोने के सिक्के हैं, आभूषण हैं, जो सोना चांदी जवाहरात है, खजाना है, इसका स्वामित्व किसके पास है? तो महाराज इसका भी स्वामित्व विश्वामित्र जी के पास है। तो बोले आप हमारे पैसा हमें दान कैसे कर सकते हैं? विडंबना देखिए, राजा हरिश्चंद्र, लगभग 1100 ब्राह्मण भोजन कर चुके हैं, साधु संत भोजन कर चुके हैं, उन्हें दान देना है 1100 मुद्राएं, दान कर चुके हैं, राजा ने दान दे दिया था। तो विश्वामित्र कहते हैं ठीक है राजन, ये 1100 मुद्राएं आप मुझे लाकर कहीं से दीजिए। 1100 मुद्राओं का कर्ज, एक महीने का समय देते हैं विश्वामित्र की, चाहिए एक महीने में लाकर दीजिए, लेकिन शर्त है कि आपको इस राज्य में आपको कहीं नौकरी नहीं करना है, राज्य में से नहीं कमाना है, राज्य के बाहर, चूंकि राज्य मेरा है। अब 1100 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज राजा हरिश्चंद्र के पास। राजा हरिश्चंद्र अपना मुकुट निकाल देते हैं, राजसी वस्त्र त्याग देते हैं, एक नॉर्मल सांसारिक जीवन का वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे रोहित के साथ राज्य से पलायन करते हैं, निकल जाते हैं, काशी चले जाते हैं। वहां बहुत सारे लोगों के पास जाकर कहते हैं नौकरी दे दो हमें, नौकरी, हम काम चाहते हैं। विधि का विधान देखिए,
कहते ना जब गरीबी में आटा गीला हो जाता है, कितने लोग मानते हैं, जब परिस्थिति बुरी होती तो और परिस्थिति बुरी होती है, और जब अच्छा होना होता है ना तो बाएं हाथ से भी कोई काम कर दो तो अच्छा ही हो जाएगा। जब आपके पुण्य फलित होते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। ये तो महाराज आप कैसे भी करेंगे, कैसे भी बो दो, फिर देखिए वो उगने लगेगा। मानते हैं, कितने लोग मानते हैं। जब परिस्थिति बुरी होती है तो गरीबी में आटा भी गीला हो जाता है, उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा है, बहुत परेशान हो गए, और कर्जा है चूंकि, तो कर्ज से बच के रहना। अच्छा, कर्ज के बारे में आप जानते हैं, कर्ज मांगने वाला लेकिन देखो एक बार मांगता है, नहीं हमको एक बार दे दो, लेकिन तो देने वाले हजार बार मांगते हैं, दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई। अच्छा, विश्व तो हरिश्चंद्र, तो भाई राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने वचन दिया कि एक महीने में मैं दूंगा, तो वो अपने वचन से तो डिगने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है, बिल्कुल कर्तव्य निष्ठ है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, पहले के जमाने में तो वचन का बड़ा महत्व, लोग हमारे गांव में तो मैंने सुना कि कोई मूंछ का बाल गिर भी रख देते, कमाल की बात है, आपको तो प्रॉपर्टी भी गिरवी रखे तो नकली निकल जाती है, बाद में पता चलता दस्तावेज ही गलत थी, ऑनलाइन फ्रॉड कर ले रहे लोग, अलग अलग तरीके से फ्रॉड हो जा रहे हैं। लेकिन पहले इतनी सत्यता थी कि लोग मूंछ का बाल गिरवी रख देते थे, साफ वचन दे देते थे, बहुत उसका इज्जत, उसकी मान रखी जाती थी, मर्यादा रखी जाती थी, चूंकि सामाजिकता थी, धर्म था उस समय। अब धर्म ही खत्म होते जा रहा है लोगों में। मुझे आप लोग बताइए, ये मेरा प्रश्न है आप सभी से, क्या अग्नि अपना जलाने का धर्म कभी छोड़ती है? क्या अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, वो कुछ भी रहे जला देगी, अच्छा नहीं देखेगी, बुरा नहीं, वो अपने धर्म पर हमेशा अग्नि अडिग है, पीछे नहीं हटती है। तो अग्नि का धर्म है जलाना, तो क्या अग्नि कभी अपना धर्म छोड़ती है? ये प्रश्न है, आप सभी से बताइए, कभी नहीं छोड़ती। धरती का धर्म है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, किसी भी वस्तु को नीचे खींचना, वो हमेशा खींच लेती है। ये धरती का धर्म है, ये अग्नि का धर्म है। तो ये लोग देखो, प्रकृति कभी अपना धर्म नहीं छोड़ती और किसी के लिए नहीं छोड़ती, लेकिन इंसान अपना धर्म छोड़ देता है। तो ये कलयुग, इसी को तो कलयुग कहते हैं, और ये तो कलयुग की शुरुआत है, सैसों अवस्था है कलयुग की। जब कलयुग और अपने प्रौढ़ावस्था में जाएगा, वृद्धावस्था में, तो महाराज बड़ी मारकाट होने वाली है। लोग कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य का मांस खा लेगा, बड़ी विडंबना होने वाली है। धर्म परायण बनना, धर्म निष्ठ होना, धर्म, इन्होंने वचन दिया कि 1100 मुद्रा एक महीने में देंगे, वचन का तो पालन करना है, चाहे जो कुछ है। तो महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी कहती है कि काम करिए महाराज, आप ना हमें कहीं बेच दीजिए, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। विडंबना समझ रहे हो, एक राजा घर से निकलकर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी कह रही, महारानी कह रही है कि मुझे बेच दीजिए, महाराज आपकी कुछ मदद हो जाएगी। और आजकल की पत्नियां कैसी हैं, एक कपड़े कम दिलाओ, अच्छा दिलाओ और दूसरे से कम हो जाए तो पड़ोसन की साड़ी से अपनी साड़ी कम चमकीली निकल जाए तो इसमें भी टेंशन। लोग तो अपने ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति की दिन रात बुराई करती रहती, अपने पति को नीचा दिखाते रहती। भाई पति नीचा दिखाओगे तो आप नीचे पति की पत्नी बनोगे, पति को गरीब बताओगे तो आप गरीब पति की पत्नी बनोगे, और पति को अगर आप शहंशाह बनाओगे, पति को राजा बताओगे, पति को सत्यनिष्ठ बताओगे, पति को धर्म प्राण बताओगे, पति को ओजस्वी बताओगे, तो आप ओजस्वी व्यक्ति की पत्नी बन के रहेंगे। पत्नी कैसी होनी चाहिए, जो दुख में साथ दे दे, दुख में साथ देना ये सबसे बड़ी बात होती है। सुख में तो सभी साथ दे देते हैं, दुख में वही साथ देते जो सही में अपने हैं। दुख में साथ देना, चेहरा समझ, देखकर समझ जाओ कि भाई ये मेरे पति को कोई ना कोई तो तकलीफ है। ये मैं आपके साथ वादे के साथ कह रहा हूं, बड़े अनुभव के साथ, बड़े बड़े अनुभव के साथ कह रहा हूं कि जो आपके पति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, उनके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, जो आपसे कह नहीं सकते, नहीं कह सकते।
समझना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ पत्नियों को नहीं बोलूंगा, पति को ही बोलूंगा, उनको भी समझना जरूरी है, उनको भी समझना जरूरी है कि कोई अपना धर्म, कोई अपना घर, अपना नाम, अपना सरनेम छोड़कर आ जाता है, कितनी बड़ी बात है। कि पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, पत्नी की प्रसन्नता का ध्यान रखे, सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। तो महारानी कहती है कि महाराज हमें बेच दो। बाजार में पहुंच जाते हैं राजा हरिश्चंद्र, वहां बोलते हैं कि भाई मुझे अपनी पत्नी को बेचना। एक पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, पंडित जी आते हैं, बोलते भाई ठीक है, वृद्ध पंडित जी रहते हैं, बोलते ठीक है, मेरे घर में रोटी बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, भोग उपहार बनाने के लिए चाहिए हमें कोई जो खाना बना सके, भोजन सुबह और शाम का बना सके, नाश्ता बना सके, घर के काम कर सके, चूल्हा चौका बर्तन कर सके, कपड़े धो सके। महारानी वो पंडित जी के यहां बिक जाती है, उसके बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं उनको प्राप्त होती है। विडंबना देखिए, 500 स्वर्ण मुद्राएं पत्नी राजा हरिश्चंद्र के हाथों में रख के कहती है कि महाराज ये मेरी तरफ से, आपके इस कठिन समय में मेरी तरफ से सहयोग। और जब उनकी पत्नी जाने लगती है तो रोहित उनके पीछे पीछे दौड़ता है, मां मां मत जा, मैं आपके बिना नहीं, बच्चे हैं, अबोध बालक। पंडित जी से ये निवेदन करती है कि इनको भी आप खरीद लीजिए, मेरा मेरा बच्चा है, इसको भी खरीद लीजिए आप। पंडित जी कहते चलो ठीक है, फूल वगैरह तोड़ने का काम ये करेगा, घर में बाहर को सामान वामान लाना, छोटा मोटा काम करेगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं दूंगा इसके लिए। तो 600 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र को प्राप्त हुई, पत्नी चली गई दूर। अब बच्चे खुद को भी बेच दिया, एक ढोंग के यहां बेच दिया, जो लाश को जलाने, मुर्दा को जलाने का काम करते हैं उसके यहां पर बेच दिया। उसने 500 स्वर्ण मुद्राओं में ही खरीद लिया और काम दिया कि आपको जहां पर मुर्दा जलाते हैं वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, टैक्स वसूलना पड़ेगा कि जो वहां पर मुर्दा जलेगी उसका कुछ पैसा कर लेना पड़ता है, वो लेना पड़ेगा आपको। सोचिए 1100 मुद्राएं अपने वचन को रखने के लिए ले जाकर विश्वामित्र मित्र को देते हैं, राजा हरिश्चंद्र डोम के यहां खुद बिक जाते हैं, मतलब अपने आप को बेचकर, अपनी पत्नी को बेचकर धर्म की रक्षा करते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं। और यहां तो हम 4 पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट दिख जाए इंसान अपने ईमान से डिग जाता है। और पत्नी भी कैसी, कहती है कि पत्नी हरिश्चंद्र को कहती है, राजा साहब को, आप मुझे बेच दो, धर्म को रहना जरूरी है। पत्नी तो बाद में भी मिल सकती है, लेकिन धर्म चला गया तो कभी नहीं वापस आता। और धर्म जाने से क्या होता है, सृष्टि को विनाश, सृष्टि का विनाश, आने वाले पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है महाराज। तो धर्मनिष्ठ बनना, और समय का काल चक्र देखिए, जब इंसान परीक्षा लेता, भगवान परीक्षा लेता ना, तो बहुत कठिन परीक्षा लेता है। देखिए जो विषम परिस्थिति में हिल जाते हैं ना, तो भगवान समझ जाते कि बड़ी पोजीशन पाएगा तो ये संभाल नहीं पाएगा, इसलिए पकाया जाता है। जब मिट्टी को खूब पकाते ना तो खूब पानी का वजन सह लेता है, तो पहले मिट्टी को पकाया जाता है, तपाया जाता है, ताकि वो पानी का वजन तो सह, कच्चा मिट्टी रहेगा तो पानी डालेंगे तो पूरा मिट्टी का घड़ा टूट जाएगा। तो जब धन आए, वैभव आए, संपत्ति आए, समृद्धि आए, तो उसको झेलने की भी ताकत होनी चाहिए। तो इसलिए ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा की घड़ी चल रही है राजा हरिश्चंद्र की, कठिन परीक्षा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। नाम ही लेते हैं तो सोचो, आप जानते होंगे नाम, बहुत अच्छे से सुना होगा। एक दिन की बात है, रोहित फूल तोड़ रहा था, सुबह सुबह की बात है, रोहित फूल तोड़ रहा था और उसको एक सांप ने आके डस लिया और रोहित की मृत्यु हो जाती है। वो उसका कांपने लगता है पूरा, सांप के काटने से कांपने लगा। एक राहगीर जा रहा था, देखा उसने रोहित को, उसने बोला कि मेरी माता जी अंदर है, बुला दो। और राहगीर जाके बोलता, बोले वह बच्चा पड़ा है, उसको सांप ने डस लिया है। तारा दौड़ती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे के पास जाने के लिए, तड़पती हुई उनके पास दौड़ती है कि जाऊं बच्चे को देखूं कैसे। इतने में पंडित जी अंदर से आवाज लगाते हैं, अरे ये थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना बच्चा है, कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे बच्चे को सांप ने, अरे बोले सांप को अपने डस लिए, बहाने मत बनाओ, पहले काम करो। पराधी
पराधीन सपने हो सुख नाही। जो इंसान पराधीन रहता है, जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में, क्यों हमें इतना बेचैनी हो रही थी? क्योंकि हम पराधीन थे, हम अपने मन की कुछ नहीं कर सकते थे, अपने मन का जीवन नहीं जी सकते थे। पराधीन सपने हो सुख नाही। सपने में भी सुख नहीं मिलता जब लोगों के अधीन हो जाता है। इसलिए मैं यहां पर निवेदन करूंगा, जितने पति लोग बैठे हैं, कि पत्नियों को ऐसा ना जताए वो पराधीन है, वो किसी के अधीन रहती है। उनकी भरपूर उनका मदद करें, उनका साथ दे, सहयोग दे, उनके प्रसन्नता का ध्यान रखें। समझ में आ रही बात सबको? तो परीक्षा की घड़ी देखिए, बच्चे को सांप ने डस लिया है, लेकिन यहां दिन भर काम कर रही है। दिन भर का काम खत्म करके रात्रि का भोजन करा के जब फुर्सत होती है, तब जाके गार्डन में, वहां बगीचे में जाके देखती तो बच्चा पूरा नीला पड़ चुका था, मृत्यु हो चुकी बच्चे की। और बच्चे को लेकर जाती है शमशान घाट, और काफी समय चुकी बीत चुका है ये सब में, काफी समय की है ना, 7-8 साल का समय बीत गया है। शमशान घाट पहुंचती है, देखती है एक आदमी है वहां पर, रात्रि का समय है, बोलते हैं कि भैया ये जलाना है बच्चे को, बच्चे का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि तो ठीक है, लेकिन कर लगेगा, बिना करके कैसा होगा? तारा कहती है कि भैया यहां तो कोई मेरा है ही नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, मेरे पति भी कहीं चले गए, मैं बिक चुकी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे बेटे रोहित की मृत्यु हो गई है। जैसे रोहित बोलती है तो महाराज जी सब समझ जाते हैं, भाई ये तो मेरा बेटा रोहित है। राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं, अच्छा आपका नाम तारा है क्या? काफी समय बाद मिले, पहचान नहीं पा रहे। और वैसे भी जब इंसान के का धन वैभव छीण होता है ना, तो चेहरे की सुंदरता, चेहरे का ग्लो आवा खत्म हो जाता है। जब इंसान के पास धन रहे, वैभव रहे, लोगों की तारीफ की जाए, प्रसन्नता मिले, तो चेहरे पर चमक रहती है। और जब ये सब खत्म होता है तो चेहरे की चमक भी खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं कि मेरा बेटा मर गया है। तारा इसलिए नहीं रो रही कि उनका बेटा मर गया है, तो बेटे का दर्द अलग हो गया, अब तो ये इसलिए रो रही है कि मेरा पति एक राजा, राजा हरिश्चंद्र यहां पर एक डोम के यहां नौकरी कर रहे हैं, उनके हालात पे उनको रोना ज्यादा आ रहा है। विषम परिस्थितियां देखो, जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो ऐसे लेता है, बड़ी विषम परिस्थिति। हरिश्चंद्र कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बिना कर लिए मैं यहां अंतिम संस्कार करने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं किसी के यहां बिक गया हूं, यहां का नियम है, कर देना पड़ता है, आपको कर देना पड़ेगा। अपने बच्चे के अंतिम संस्कार पिता खुद नहीं कर पा रहा है, जरा विडंबना देखिए कि जब आप किसी का अधीन रहते हैं तो कितनी भयंकर विडंबना। लेकिन कहते हैं कि आप गंगा नदी में फेंक सकते हैं, बच्चे को प्रवाहित कर सकते हैं, उसके लिए कोई कर नहीं लगता, वो फ्री में हो जाता है। इतने में गांव से भी जोर जोर से आवाज आई, चूंकि आधी रात को ये आई रहती हैं बच्चे को लेकर, तो कुछ लोगों ने देखा कि उधर कोई महिला जा रही है बच्चे को लेकर, चोर चोर की आवाज करते हुए गांव वाले पीछे से आ रहे, चोर चोर चोर। सबने उस महिला को पकड़ लिया, बोले यही चोर है, ये महिला चोर है, तारा को, महारानी को चोर बोल रहे। डोम को पता चला, डोम भी आ गया, तो राजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार देता है, बोलता है मारो इसको। पति पत्नी को मारने का आदेश, बेटा मरा पड़ा है, गांव वाले चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और ये किसी को बिका हुआ है, वो बोल रहा है मारो इसको। कितनी विडंबना, कैसी कैसी परिस्थिति है जरा आप लोग समझ सकते हैं, कितनी विडंबना, बड़ी विचित्र अवस्था। प्रभु का सुमिरन करते हैं राजा हरिश्चंद्र कि प्रभु इस धर्म संकट से बचाओ, मेरी पत्नी है, मैं पत्नी को कैसे मार सकता हूं, लेकिन डोम मेरा मालिक है, वो मुझे बोल रहा है कि मारो, धर्म संकट, इस धर्म संकट से उबारो प्रभु। और बहुत ही अंतर मन से सुमिरन करते हैं। जब सुमिरन करते हैं तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। विश्वामित्र उनकी परीक्षा ले रहे थे, वो पंडित जी और कौन थे, विश्वामित्र ही थे, परीक्षा चल रही थी इनकी, भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए।
विश्वामित्र कहते हैं कि आप परीक्षा में खरे पास हुए राजा हरिश्चंद्र। रोहित को पुनः जिंदा करते हैं, पुनः राजपाट इनका वापस किया जाता है। उसके बाद राजा बहुत अच्छे तरीके से अपने राज्य को चलाते हैं। धर्म को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, धर्म परायण होना। देखो, धन इंसान के पास हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं तो धन किसी काम का नहीं होता है। रावण के पास धन बहुत था, सोने की लंका में रहता था, फिर भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। राम वनवासी थे, कुटिया में झोपड़े में रहते थे, फिर भी रावण के ऊपर विजय प्राप्त की और पूजे जाते हैं। वो पूजनीय है, वंदनीय है। जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है वो वंदनीय बन जाता है, वो पूजनीय बन जाता है। जो धर्म का ह्रास करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो नष्ट हो जाता है, समूल नाश होता है उसका समूल। तो धर्म की रक्षा करने का संकल्प, तो धर्म बड़ा मानते सभी लोग। धर्म क्या है? बहुत बड़ा है। अगर धर्म को, धर्म का पालन करके अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। भागवत क्या है? भागवत महापुराण ये कृष्ण ही है जो हमें जीवन जीने का धर्म सिखाते हैं। कैसे बोलना, कैसे सुनना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे जीवन में निर्णय लेना, अपने जीवन के भांति भांति स्वरूपों को कैसे निर्वहन करना, कैसे विषम परिस्थितियां आती हैं तो अपने धर्म पर अडिग रहना, ये सिखाते हैं। धर्म पर मर मिटने वाले लोग अमर हो जाते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले लोग अमर हो जाते हैं। तो धर्म की रक्षा करने के लिए सोचिए, राम का धर्म जरा देखिए, राम की पूजा क्यों होती है कि जब सुपलेखा से बात कर रहे थे तो सीता माता की तरफ देखकर बात कर रहे थे। ये राम का धर्म है, और राम रावण का धर्म है कि पराई नारी को उठाकर ले आता है। अब दोनों में फर्क देख लीजिए, किसका पूजन होता है, किसका तिरस्कार होता है। तो परम प्रकांड विद्वान होने के बाद भी रावण का तिरस्कार, पुतला जलाया जाता है और राम की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि राम हमेशा धर्म परायण रहे। तो जब हम धर्म परायण रहेंगे तो हमारी पूजा होगी, हम पूजे जाएंगे। तो धर्म की रक्षा करने का संकल्प आज हम सभी लोग लेंगे, सत्य व्रत को धारण करेंगे, काम क्रोध मद लोभ मोह जब ये बुराइयां अपने अंदर से निकालेंगे तब मनुष्यता का जन्म हमारे अंदर होता, तब हमसे इंसान बनते हैं। तो परिस्थितियां कितनी भी विषम आ जाए, महाराज जब से कुछ लोग पूछते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक रहते हैं, बहुत ज्यादा भगवान की स्तुति पूजा वंदन करते हैं, उनको ही टेंशन ज्यादा होता है, वो हमेशा दुखी रहते हैं। और जो बड़े नास्तिक टाइप के लोग हैं ना, वो देखना बड़े प्रसन्न रहते, बड़े खुश रहते, अच्छा जीवन जीते, ऐसा क्यों होता है? देखो, ये भी बहुत समझने वाली बात है कि जो नास्तिक टाइप के लोग हैं बहुत फल फूल रहे, वो फल फूल नहीं रहे, उनकी पूर्ण जन्म का, पूर्व जन्म का पुण्य है जो अभी फलित हो रहा है। जैसे अभी आज आपने गेहूं बोया है तो कब काटेंगे? 4 महीने बाद काटेंगे ना। लेकिन अभी जो घर में गेहूं रखा है, जिसकी रोटियां बेल बेल के आप खा रहे हैं, वो गेहूं कौन सा गेहूं है? वो गेहूं जो पिछले साल आपने बोया था, वो गेहूं बचा है ना, तो उसकी रोटियां आप खा रहे हो। लेकिन इस बार का गेहूं अगर आप सही से नहीं बोएंगे ना, तो गेहूं नहीं मिलेगा खाने के लिए, तब आपको एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। तो जो गलत आचरण कर रहा है फिर भी फल फूल रहा है, तो इसके पूर्व जन्म के पुण्य है जो फलित हो रहे हैं, और अभी के जो पाप है वो आगे फलित होंगे। बहुत बुरा, मतलब हिसाब होगा उसका, 100% हिसाब होगा। तो ये मान के चलिए। और जो बहुत ज्यादा धर्म के मार्ग पर है फिर भी दुखी है, ये आपके पूर्व जन्म की कर्म है, पहले पुण्य नहीं था, पहले कुछ आपसे गलत कर्म हुआ होगा, गलत काम हो गया होगा, पाप कर्म हो गया होगा, उसका आप फलित हो रहे अभी, थोड़ा सा तकलीफ आ रही है, लेकिन चिंता ना करें, ये जो पुण्य भी आप कर रहे हैं ये फलित होगा आगे, अभी जो आपने बोया है आगे उगेगा। और वैसे भी एग्जाम उसी की होती है, परीक्षा उसी को देना पड़ता है जिसने परीक्षा का फॉर्म भरा है, जो स्कूल में एडमिशन विद्यालय जा रहा है, परीक्षा तो उसी को देना पड़ता है। सभी को परीक्षा देना पड़ता है क्या, बताइए? जो चौक चौराहे पर बैठ के बढ़िया मस्त है उसको परीक्षा नहीं देना है? परीक्षा उसी की होती है जो स्कूल में एडमिशन लेता है, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है,
जो परम मोक्ष की प्राप्ति रखता है, जो परम आनंद का स्वाद लेना चाहता है, जो उस भवसागर से मुक्ति चाहता है, उसे परीक्षा देनी होगी कि अभी आप लायक बने हैं कि नहीं, प्रभु के चरणों के लायक बने हैं कि नहीं। इसलिए प्रभु परीक्षा लेते, ईश्वर परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा के लिए तैयार है तो एक बार कमेंट करके बताइए, हाँ मैं तैयार हूं पूर्ण रूप से। तो ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए अपने धर्म का पालन करने का संकल्प आप सभी लोग लें, और जब समय मिले राधे राधे श्रीमन्नारायण मन में उच्चारण करते रहे। कलयुग में एक नाम आधार, कलयुग में नाम ही एक आधार है, बहुत ज्यादा मंत्र तंत्र नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम सुमिरन करते रहो, जब समय मिले नाम बोलते रहो, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, नाम लीजिए बस। इन नाम की नैया आपको भवसागर से पार लगा देगी, बस इस नाम की नैया पर आपको चलना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाएं, समाज तक पहुंचाएं, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही, तो हम इस तरीके से और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और भागवत महापुराण के महात्म और भागवत महापुराण की विशेषताएं, उसके ज्ञान को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इस भवसागर से अपने आप को तार सकें। कोई भी प्रश्न है तो निसंकोच आप हमें जरूर लिख कर भेजें, उस संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम इस श्रृंखला में आप लोगों को अवश्य देंगे। मिलते हैं पुनश्च फिर से एक बार इसी उम्मीद के साथ कि ईश्वर आप सभी को परम प्रसन्नता प्रदान करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।